हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। लोकसभा आम चुनाव 2019 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से कराने के उद्देश्य को लेकर के आज लघु सचिवालय के सभागार में संयुक्त आयुक्त एवं खर्चा पर्यवेक्षक श्रवण कुमार बंसल ने अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉक्टर मनीराम शर्मा, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया भी मौजूद रहे। संयुक्त आयुक्त एवं खर्चा पर्यवेक्षक श्रवण कुमार बंसल ने चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि लोकसभा आम चुनाव 2019 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी स्थान पर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना जिला उपायुक्त एवं चुनाव से संबंधित अधिकारियों को अवश्य दें। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लोकसभा चुनाव को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अलग अलग टीम गठित कर दी गई है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी स्थान पर अवैध रूप से धनराशि और अवैध शराब का वितरण ना हो सके। इसके अलावा कोई भी उम्मीदवार सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार ना कर पाए। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन चलाने पर भी नजर रखी जाएगी। मीडिया में दिए गए विज्ञापन का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान खर्च करने की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसी नियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रत्याशी खर्चा करें। तो इलेक्शन कमीशन की जो अपेक्षाएं हैं लोगों से, वोटर से और आम लोगों से, वो सभी तक आप पहुंचाएं। इसके अलावा भी जहां कहीं भी इलेक्शन के कंडक्ट का उल्लंघन होता है, सबसे पहले प्रेस वालों को पता चलता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी व्यक्तिगत ये मान्यता है कि प्रेस वालों को सबसे पहले किसी भी बात का पता चलता है, क्योंकि उनका प्रोफेशन है कि बातों को जानना। नारद मुनि है यार, अंदर घुसपैठ करती हूं। तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि जैसे ही आप लोगों को पता चले और आपके मन में आए कि ये तो गलत हो रहा है, ये निष्पक्ष और ईमानदार इलेक्शन के लिए ठीक नहीं है, तो कृपया कमीशन को बताएं, डीसी साहब को बताएं, ताकि तुरंत इसका निवारण हो सके और एक निष्पक्ष चुनाव हम लोग इंश्योर करा सकें। इसके अलावा जो हम लोगों की प्लानिंग है, हमारी टीम जो बनी हुई है, फ्लाइंग स्क्वाड्स बने हुए हैं, एसएसटी टीम बनी है, एफएसटी टीम बनी है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम बनी है, इसका जो सेटअप है वो ये इंश्योर करेगा कि कहीं भी इलीगल पैसा ना बटने पाए, इलीगल शराब ना बटने पाए, कोई इलीगल तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार ना कर पाए, या जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रेस प्रिंट मीडिया के माध्यम से, उसका प्रॉपर हिसाब हो। और जो सीमा इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित की है खर्च की प्रत्येक प्रत्याशी के लिए, उस खर्च के अंदर ही और नियमतः प्रत्येक प्रत्याशी खर्च करे, और यदि इससे ज़्यादा खर्च होता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकें और हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड के माध्यम से उस पर नियंत्रण लगा सके। इस उद्देश्य से आज हमने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी जो पलवल से संबंधित जितने भी टीम्स लगी हुई हैं इलेक्शन में, वो सभी आई, सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हमने ये इंश्योर किया कि उन सभी की प्रॉपर ट्रेनिंग हो गई है, सभी को जानकारी है जो कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित की है, सभी को प्राथमिक जानकारी मिल चुकी है और सभी टीमें अपने स्थान पर सजग रूप से काम कर रही है।